जाएंगे इस जीत को। सबसे पहले मैं तो यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे अतिथिगण है और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी मेंबर है उसे मैं अपने और अपने टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फाइनल मैच वाकई में बहुत बड़ा मैच होता है, तो जीत की खुशी जो है वो बहुत ही अधिक है जो मैं बयां नहीं कर पाऊंगा। और मैं अपने टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मेहनत किया और सभी मैच में मेहनत के कारण आज हम फाइनल जीत पाए। और हमारे ओपोनेंट टीम को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं खेले, वो बहुत ही अच्छा खेले, वो भी जीत सकते थे। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत बधाई, सभाई की बधाई है। और अब लिए चलते हैं सीधे दिनेश जी के पास जो कि प्राइज वितरण समारोह के हमारे खास होस्ट। दिनेश भैया, ओवर टू यू। आज इन दोनों ही टीमों को बहुत हार्ड खेलना पड़ेगा क्योंकि इनका टाइम आ चुका है और इस टाइम वो ये चाहेंगे अपने तैयार है, हमारे अतिथिगण तैयार है। निमल, सुशील कच्छप, छोटू मुंडा, रेमन लकड़ा, प्रकाश मुंडा, शंकर, सोमरा मुंडा, लक्ष्मीकांत, रोहन और रोहित, ये है मेकॉन स्पोर्ट्स का लाइनअप जो आज यहाँ पर शुरुआत करेंगे खेल की और एक दूसरे का सामना करेंगे दोनों टीमें। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के ग्रैंड फिनाले में आमने सामने है हेल स्पोर्टिंग और मैकॉन स्पोर्ट्स रांची। राजेंद्र कच्छप और शशि मुंडा सच चुका है मंच, तैयार है महारथी। वेलकम टू 21वां काठीगुड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 फाइनल मेगा फाइनल। हमारे बीच मंचासीन आज के फाइनल मैच की मुख्य अतिथि श्रीमती नीतू सेठ जी। मैं सादर निवेदन करूंगा डॉक्टर अरुण राव जो की है अध्यक्ष, इन सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, उन्हें ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेष कह के शुभकामनाएं दे के आज के इस बड़े मैच का शुभारंभ करने की प्रक्रिया शुरू करें। हमारे गणमान्य अतिथिगण जा रहे हैं मैदान की ओर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए के लिए, लेकिन ये बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़ा दिन अपने नाम कर सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं। हमारे गणमान्य अतिथिगण मिल रहे हैं और शुक्रिया संजीव कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में कैप्टन ने खुद बाजी कौन मारेगा आज, काफी रोचक यहाँ पर मुकाबला होने की संभावना है। के साथ यहाँ पर मैच की शुरुआत हो चुकी है, मैकॉन स्पोर्ट्स ने यहाँ पर खेल की शुरुआत की है। रोहन के पास बॉल, रोहन ने बॉल को बढ़ा दिया है शंकर के लिए। अनुभवी झारखंड टीम से खेलने का दौरा प्राप्त और निश्चित तौर पर यहाँ पर फाउल का इशारा, बहुत बात जरूर निकाला है लेकिन रेमन नगरा ने फाप दिया था बॉल सीधे उनके पास। बहुत ही शानदार क्लियरेंस अमित का, बब्लू कच्छप ने क्लिक जरूर किया था, सोमरा मुंडा वहां पर मौजूद, उन्होंने गोल को बढ़ाया। बहुत ही मौका है यहां पर, शानदार मौका है रोहित के पास, काफी ढीला सुंदर स्टंट और यहां पर गोल मारने की कोशिश, गेंद की ऊंचाई को सही नहीं रख पाए और बब्लू कच्छप रेमन लकड़ा के पास गोल को बढ़ा दिया, सुंदर क्लियरेंस किया है रेमन लकड़ा ने और यहाँ पर फिर से गलत तरीके से रोकने की कोशिश, बड़ी जाकर तो समझ रहे हो क्या होगा, क्रॉस किया गया था लेकिन सोमरा मुंडा ने गोल को बीच से ही क्लियर कर दिया। राजू मंडल का प्रयास लेकिन निशाना काफी दूर टारगेट से, तो फिर दियो नहीं जाने खोज रहा है।
क्रॉस काफी खराब, कैप्टन थे वहां पर दिमल, और बिल्कुल बेहतरीन यहां पर निकाला बॉल को राजू मंडल ने सुमित पी के लिए। इतना शानदार पास था, उसका फायदा नहीं उठा पाए सुमित, और फिलहाल गोल को लेकर आगे बढ़ते हुए बबलू कच्छर पहल स्पोर्टिंग के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी। यहां पर क्रॉस आया है, मौका यहां पर था सूरज के पास, लेकिन बॉल को नियंत्रण नहीं कर पाए, और फिलहाल बॉल उपेंद्र हजाम के द्वारा विद द बॉल रनिंग काफी शानदार, बिल्कुल लाइन पर खड़ी कैप्टन के लिए बॉल को बना दिया रोहन ने। विमल मैकॉन स्पोर्ट्स के कैप्टन रोहित के पास बॉल, जर्सी नंबर 6 जिन्होंने कल बेहतरीन स्कोर दर्ज किया, फिर क्रॉस आता हुआ शंकर है वहां पर, ये जरूर लिया था लेकिन संतोष का ये क्लियरेंस उपेंद्र हजाम धीरे 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 बॉल पोजिशनिंग बनाते हुए आगे बढ़ते हुए मैटन के खिलाड़ी शंकर का क्लीन जरूर आया था, बोले थे वहां पर सतर थे, बंधन उगाओ के पास गोल शानदार पास है उसके लिए, संतोष के पास खिला गोल बहुत ही शानदार यहाँ पर निकाल दिया संतोष ने, बहुत ही शानदार पास था, कैप्टन सीमा थे वहां पर लेकिन उनके जो हेडर आया काफी कमजोर, और तब तक गोल को क्लियर कर दिया गया। राजा के पास गोल ऑन द लाइन यहां पर इशारा किया है राजेंद्र कश्यप ने। आज के इस फाइनल मैच में आखिरी दिन में 21वां कांतिपुरा फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के समापन समारोह में उपस्थित हैं आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती नीतू सेठ जी। मैं 21वीं कांतिपुरा फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के ऑर्गेनाइजिंग अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करते हैं आप सभी का निभा रहे हैं परंपरा, बहुत बहुत स्वागत है मैम। माननीय श्री संजय सेठ जी किसी कारणवश दिल्ली जाना पड़ा और वे की उपस्थिति में श्री संजय सेठ जी की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू सेठ जो की आज की मुख्य अतिथि है उनका स्वागत अभिनंदन सत्कार हो रहा है। 21वीं कांतिपुरा फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के वाइस प्रेसिडेंट से उपस्थित हमारे मंच में श्री इंद्रजीत सिंह जी जो कि पावर लिफ्टिंग के वर्ल्ड चैंपियन, उनका पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें हमारे सम्मानित मंच में। बहुत ही शानदार पास निकाला गया यहाँ पर राजू द्वारा, अति खूबसूरत मुद्दा, बहुत शानदार सूरज मुंडा तो गोल हो सकती थी, सीमा काफी आगे निकल गए थे, ऑफसाइड करार दिया गया हमको, और एक जो बेहतरीन मौका था वो जाया जाता हुआ पूरा मार दिया लेकिन चला गया तमाम खिलाड़ी बबलू का चप्पल बॉल
कैप्टन ने बोल दिया बहुत ही ज्यादा दोस्त लग रहे पीछे के पास निकाला और सुबह के पास फिलहाल बहुत सुबह से क्रॉस किया है लेकिन काफी हता होंगे सीधे दूसरी पर के पास चली गई तो उतार चढ़ाव का ये खेल कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मारेगी करना काफी मुश्किल गलत पास कर बैठे सीधा वहाँ पर तैयार थे बहुत बहुत स्वागत है केएल स्पोर्टी के शानदार आयोजन में काफी देर तक खेल हो चुका लेकिन कोई भी टीम अभी तक स्कोर करने में सफलता हासिल नहीं की है कोई जरूर आया था लेकिन अब साइड करा दिया गया वो भी तो इस अजीब गरीब स्थिति को देखते हुए यहाँ पर पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी प्रसिद्ध अजीब पंक्ति के खिलाड़ी कहेंगे खिलाड़ी से अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी खिलाड़ी हेयर स्पोर्टिंग के पहला गोल स्कोर करेंगे उनको 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा ध्यान देंगे देखा गया कि कुंकला मुंडा ये पहला प्रयास था जबकि ये नेचर जोन है इस जोन से हर खिलाड़ी को शूट करने की क्षमता रखनी चाहिए तो शूट का ये प्रयास लेकिन काफी ऊपर बहुत ही शानदार पास नितिन वहां पर है सुंदर टेस्ट रिसीविंग लेकिन उनको शानदार कवर किया वहां पर कैप्टन बीमल ने काफी संख्या में फैंस उनके क्लब के ही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहां पे पहुंचे हैं बहुत बहुत स्वागत केएल स्पोर्टी की ओर से मौका फिर से मौका यहां पर देखना लगता है कि नहीं चौका नहीं लगा सुमित जी और यहां पर विशेष की आवाज बता रही है फाउल का इशारा किया हमारा उपेंद्र हजाम लेकर बढ़ रहे हैं बिल्कुल अंदर गए और शानदार पास किया रोहन के लिए रोहन का क्रॉस आता हुआ शंकर वहां पर जरूर थे मौका यहां पर माधव के लिए लेकिन ये काफी नहीं था वहां पर तैयार थे बुद्धदेव राम आसानी के साथ यहाँ पर कितना पास निकाला है रोहन है रोहित है कौन देखे बोल दो रोहित ने बोल को निकाल लिया है क्रॉस किया है लेकिन महाराजा बिल्कुल बीच में दीवार दिखा दिया है मैंने बिल्कुल क्लियर किया अखिल के कमरा के पास को ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा इसलिए निश्चित रूप से आपकी टीम के लिए बहुत मनोबल ऊंचा होगा पर अब मैं सारे निवेदन करूंगा श्री विजय तिर्की जी जो कि 21वीं कातिपुरा फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के एसओजी मेंबर हैं श्री पी के दास जो कि सेक्रेटरी मेंबर स्पोर्ट्स क्लब मैं पुष्प गुच्छ प्रदान करने के लिए श्री विजय तिर्की जी से सारे निवेदन करूंगा और स्वागत करें श्री पी के दास जी फिलहाल पहले हाफ का यहाँ पर खेल चलता हुआ और हमें खुशी है कि मेकोन स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं और रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में जो होनहार खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं एक और बुद्धदेव यहाँ पर जरूर थे यहाँ पर मौका हो सकता है देखना क्या करते हैं और इससे पहले के गेम गोल रेखा के अंदर जाती गोल को क्लियर कर दिया गया अमित के द्वारा और एक अच्छा मौका यहाँ पर गंवाते हुए मेकोन स्पोर्ट्स के खिलाड़ी और अच्छा प्रयास लेकिन उतना ही अच्छा बचाव यहाँ पे मौका रोहित के द्वारा काफी करीब पहुंच चुके थे रोहन भी प्रयास किए लेकिन हर एक प्रयास को रोकने में कामयाब स्पोर्टिंग राजीव फिर से बुद्धदेव ने बाजी मारी यहाँ पर फाउल करा दिया गया हमको गलत तरीके से रोकने की कोशिश थी
मैं स्पोर्ट्स के कैप्टन दीपक कुमार बोल लड़ाने की कोशिश से काफी बाहर मार बैठे यहाँ पर शानदार क्लियरेंस बंधन के द्वारा कुमरा मुंडा बना दें जीतने के लिए फिलहाल बोल करते हैं पास कितना आता है माधव है वहां पर अच्छा नियंत्रण कर लिया था लेकिन सही दिशा नहीं दे पाए बोल दो हमारे 21वीं कार्तिक उड़ाव फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के फूड पार्टनर फूड बाजार हाईवे किचन तलादेरी के प्रोवाइडर श्री गोपाल तिवारी जी का काफी सहयोग प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आप अगर लजीज बेजरों का बाजार हाईवे किचन चला दे अच्छा पास निकाल दिया है रोहित बोल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अगर इसको मौका मिलता है तो खतरा साबित हो सकता है लेकिन सारी तैयारी होगी वहां पर इसके ऊपर पहले इसको ठीक है उन्होंने बोल को क्लियर कर दिया यहाँ भी रोहन कच्चा काफी तेज गति के साथ बोल को बढ़ाते थे टाइम के तौर पर रोहित बहुत ही शानदार पास यहाँ पर निकाला रोहित के लिए देखना पहुंच पाते हैं कि नहीं और सावधान रहेंगे जो लाइन के सामने बैठे और एक मौका फिर से यहाँ पर काफी तेज गति के साथ कुलदीप आगे बढ़े थे लेकिन बोल को क्लियर कर दिया प्रकाश मुंडा ने बोल सीधे चली गई है गोलकीपर गुरुदेव के पास बेहतरीन क्रॉस आता हुआ लेकिन गोल बार से ऊपर ऊपर से होकर बाहर मैच इतना रोमांचक चला है कि निगाहें हट नहीं रही सुमित ने दिशा देने की कोशिश की लेकिन ताकत कम थी गेंद अगर थोड़ी सी और ताकत होती तो शायद यहाँ पर एक सफलता मिल सकती है स्कोटिंग को और इसी बीच बॉल चली गई ऑनलाइन डोज बढ़ाने के लिए बंधन उड़ाओ का ये पास था डॉक्टर अटैक कर रहा है स्पेशल का भी चेंज करके साथ आगे बढ़ते हुए और सुंदर पास निकाला है लक्ष्मीकांत है वहां पर देखना है क्या होता है अभी तक एक मौका और अतिथि जरूर थी बिल्कुल सतर्क थे वहां पर बुद्धदेव आज कोई गलती नहीं करेंगे बड़ा मैच बड़ा प्रदर्शन बुद्धदेव के द्वारा कल इनसे थोड़ी बहुत गलतियां देखी हुई पर इस बार पलटवार कर रहे हैं पहल स्पोर्टिंग के खिलाड़ी जर्सी नंबर 70 बबलू के पास बॉल सुमित से काफी विलंब कर बैठे काफी सुस्त दिखे वहां पर राजमंडल बंधन सुमित बॉल खेलना चाहते थे सफल नहीं हुआ और इस बार सुमित के पास फिर से बॉल कैप्टन और किसाना करते हुए रेमन लगड़ा बाहर है बोल तो अपने कब्जे में लिया बढ़ा बिल्कुल खाली जगह पर थे रोहन आगे बढ़ते हुए बोल को लेकर उनको पोजिशनिंग दिए हैं अपनी पुष्टि बहुत ही शानदार पोजिशन एक मौका हो सकता है यहाँ पर देखना है क्या होता है
कहा जाए इसको। बिल्कुल सही पोजीशनिंग में थे, शंकर थे, रोहित थे, माधव थे, एकल प्रयास करना चाहा और हड़बड़ा आपने बॉल को मार दिया। ये मौका हो सकता था लेकिन अच्छा क्लियर से ये अभी भी कटा चला रही है रोहित का क्रॉस और यहाँ पर एक शानदार अवसर साइड धोनी लगाई थी रोहित ने इसके ऊपर नितिन के हाथ से जाकर गोल टकराई और क्योंकि पेनाल्टी एरिया के अंदर में थे वो तो कोई हिचक नहीं तो जजमेंट देने में विक्रम को पेनाल्टी करा दिया है। स्पीड में पते नहीं चल रहा है, स्पीड में पते नहीं चल रहा है। प्लीज खेल में ना खेल तो शुरुआत करने में हमारी मदद करें। कहाँ जा रहा है भैया, दिखाने जा रहा है क्या? कहाँ तो कार्ड देने वाले तो गया नहीं, अभी कहाँ जा रहा है? एक मौका लेकिन इस बार काफी गलत पास कर बैठे, गलत दिशा में यहाँ पर जो के लिए प्रयास था तो पेनल्टी वापसी की है इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि आज बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा क्योंकि मैं कौन की टीम है दोनों आज की काफी आगे निकल रहे। एक मौका और ये मौका, अच्छा मौका कहेंगे इसको। एक मौका राजू मंडल बहुत ही बेहतरीन तरीके किए थे, क्लिक होकर चली गई है गोल रेखा के बाहर। यहाँ पर फिर से एक अवसर आता हुआ एडी के जरिए अच्छा क्लियरेंस है वहां पर नितिन को बढ़ाने गोल के ऊपर खुद देव के लिए अपनी छुट्टी गोल की मांग और बिल्कुल उसको स्वीकारा है विक्रम ने के लिए। राजू मंडल का ये कॉर्नर के सुंदर एरिया है सुपेंद्र के द्वारा अति से ये बड़ा मौके की तलाश और एक मौका बेकार जाता हुआ और शानदार बल्ले के सामने थे। एक और अच्छा अवसर यहाँ पे राजू का ये शॉट लेकिन उतना ही अच्छा बचाव डिफेंस अभी भी झगड़ा चला रही है रेवन दुष्यंत में लेकिन कुछ दर्शकों को लगा मानो गोल प्रेशर बनाने से कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। जी हाँ एहल के लिए मैच उनके हाथों से साबुन की तरह फिसल रहा है और पकड़ना होगा इस मैच को लेकिन कभी कभी अटैक के चक्कर में और भी कमजोर हो जाती है। यहाँ पे रोहित जिस इस बैटैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं अच्छा स्किल इन्होंने काफी प्रभावित किया आज के मैच में। रोहित की बात करें रोहन की बात करें लक्ष्मीकांत भागम ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हर मैच में चल रहे हैं। और इसके बाद बोल दो ऐसा करें ज्यादा से ज्यादा समय लिया जाए रेफरी की पहली नजर है घड़ी पर ऐसे आप धोखा नहीं दे सकते रेफरी को और यहाँ पर रोहित के पास वो रोहित अपने साथी खिलाड़ी को तलाश में बढ़ा दिया रोहन के लिए काफी शानदार क्रॉस करने के लिए जाने जाते हैं रोहन और ये बहुत ही बेहतरीन पास लक्ष्मीकांत बहुत ही शानदार मौका रोहित के लिए शानदार बचा हजाम से खींच लेने वाले खिलाड़ी
तो सही पास सीधे उपेंद्र हजाम के पास गोल की बॉल, सुनील सिंह के पास बॉल, नियंत्रण नहीं कर पाए, बॉल छटक गई और वहां पर तैयार थे प्रताप कुंडा, हालांकि अभी भी सुनील के पास बॉल फुटबॉल प्रतियोगिता का चैंपियन बना है फिर से दूसरे साल बैक टू बैक मैकॉन स्पोर्ट रांची कॉन्ग्रेचुलेशन टू द चैंपियन। जीते की चाल बाज की नजर और मैकॉन के खेल में संदेह नहीं करते, कभी भी बात दे सकते हैं मैकॉन 21 से काफी गुना फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के चैंपियन लगातार मैच जीत के ये आतिशबाजी और दीपावली भी सामने है, दीपावली की आपको ढेर शुभकामनाएं, ये दीपावली हो आपकी खुशी वाली, लेकिन खुशी के बाद प्राइज वितरण समारोह आपके इसी सम्मानित मंच से आप जुड़िए, लाइव एक्शन आपको देखने को मिलेगा कि मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिलता है, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड कौन लेके जाते हैं, मिडफील्डर में कौन जिनका जलवा दिखा है, डिफेंस से किसकी मजबूती मिली है टीम को, उन सारे अवार्ड बस कुछ ही क्षण के बाद इसी मंच से घोषणा होगी। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए 21वीं काफी गुड़ाव फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के समापन समारोह में उपस्थित हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण।